कोर्ट रूम ड्रामा और एक्शन से भरपूर शी हल्क का दूसरा एपिसोड भी मार्वल ने रिलीज कर दिया है, जिसका रन टाइम महज 25 से 26 मिनट रखा गया है, जो मार्वल फैंस को थोड़ा सा निराश जरूर कर रहा है, क्योंकि जैसे ही इस एपिसोड में थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनता है ये खत्म हो जाता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कम रन टाइम के बावजूद भी इस एपिसोड में ऐसे हिडन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो इस सीरीज को और मार्वल के आने वाले फेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी होगा। इसलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से जानते हैं इन हिडन डिटेल्स को जो हमें शी हल्क के दूसरे एपिसोड में देखने को मिली है। तो जैसा कि हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेनिफर को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है, और रीजन ऑब्वियस है, वो कोर्ट रूम एक्शन, जिसकी वजह से जेनिफर को जॉब से निकाला जाता है, जिसको एक्सेप्ट करने में जेनिफर को प्रॉब्लम हो रही है। और आप बोल सकते हैं कि जेनिफर अपनी शी हल्क आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जबकि उसी मोमेंट में एक फैमिली डिनर के दौरान जेनिफर के फादर उसे समझाने के लिए हॉकाई को भी मेंशन करते हैं। वैसे ये जॉबलेस वाली बात कोई नई नहीं है, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क को छोड़ दें तो ज्यादातर सभी सुपरहीरो जॉबलेस ही होते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप सैम विल्सन को देख सकते हैं जो कैप्टन अमेरिका बनने के बाद भी जॉबलेस होता है। इसके बाद हमें सीधा एक कॉमिक से रेफरेंस दिखाया जाता है, जिसमें हम होल्डन हॉलीवे को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क लॉ फर्म GLKH के डायरेक्टर्स में से एक है। वैसे अगर GLKH की बात की जाए तो गुडमैन लेबर, कर्ट्सबर्ग और हॉलीवे एक ऐसी लॉ फर्म है जो मोस्टली सुपर हीरोज लॉ केसेस हैंडल करने के लिए फेमस है। इसमें अब जेनिफर वॉल्टर्स को इंक्लूड कर लिया गया है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है GLKH के बारे में जो मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड है। आप जानते हैं GLKH में गुडमैन लाइबर, कर्ट्सबर्ग और हॉलीवे का रेफरेंस दरअसल में ओरिजिनली मार्वल कॉमिक्स के फाउंडिंग मेंबर के रूप में दिखाया गया है। मतलब ये सब ओरिजिनली मार्वल के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर नई हेड बन गई है इस नई सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन की, और ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि उसके पास उसका पहला केस हल्क के सबसे बड़े विलन एबोमिनेशन के पेरोल का आता है। और यही वो सीन है जहां हम पहली बार दो चीजों को नोटिस करते हैं, एक तो DODC जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है, और दूसरा एमिल ब्लॉन्स्की। अगर बात DODC की करें तो वो एक प्रिजन है जिसे हम पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख चुके हैं, जहां एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन को रखा हुआ है जो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में है। जेनिफर अपने क्लाइंट से मिलने इसी DODC प्रिजन में आती है। अब अगर बात एमिल ब्लॉन्स्की की करी जाए तो सबसे रिसेंटली हमने एबोमिनेशन को शैंगची में देखा था जो वोंग से लड़ रहा था, वैसे वो फाइट से ज्यादा एक ट्रेनिंग लग रही थी। इसके बाद एमिल ब्लॉन्स्की को फिर से इसी प्रिजन में ले जाते हुए दिखाया जाता है, और हो सकता है कि एबोमिनेशन को, या फिर आप बोल सकते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की को वोंग अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा रहा था। अच्छा, इसी सीन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है जेनिफर और एमिल के कॉन्वर्सेशन के दौरान, जहाँ जेनिफर हार्लेम के रैम्पेज को रेफर करती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्लेम वही जगह है जहाँ द इनक्रेडिबल हल्क और एबोमिनेशन के बीच में फाइट हुई थी, मतलब जो हमें 2008 वाली द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से हमें वही चीज देखने को मिलती है जिसके लिए जेनिफर वॉल्टर्स फेमस है, जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक करना है। मतलब इसके बाद वो फिर से एक बार ऑडियंस से बात करती हुई नजर आती है, जहाँ पर हमें ब्रूस बैनर के डिफरेंट एक्टर वाला जोक सुनने को मिलता है, जो इसमें दो तरीके से रिलेट कर सकता है। मतलब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। इसमें पहला इशारा एडवर्ड नॉर्टन की तरफ हो सकता है, जो हमें द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिले थे मार्क रफेलो से पहले, जबकि दूसरा रेफरेंस हल्क की पर्सनैलिटी से जुड़ा है। मतलब कि उस समय हल्क की पर्सनैलिटी अनकंट्रोलेबल थी, लेकिन अब हल्क की पर्सनैलिटी कंट्रोल्ड और काफी काम है। जिसके बाद इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिलेगा कि क्या ये सीरीज सच में वर्ल्ड वॉर हल्क को सेट कर रही है, क्योंकि एपिसोड एंड होते होते हम देखते हैं कि हल्क जेनिफर को बोलता है कि वो अपना कुछ अधूरा काम पूरा करने जा रहा है, जो ऑब्वियस है कि वो सकार पर जा रहा है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स शायद उसका बेटा है। पर इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि शुरुआत से ही हमें इस चीज के रेफरेंसेस दिए गए हैं मार्वल यूनिवर्स में कि हल्क पापा नहीं बन सकता है। तो हो सकता है कि ये भी एक लूज एडेप्टेशन हो वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज से, जैसा कि हमें थॉर रैग्नारोक में देखने को मिला था। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल यूनिवर्स यहाँ हमें हल्क को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश करके दिखाए। और अगर बात इस एपिसोड की जाए तो मैंने मोस्टली पार्ट्स को इसमें कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।